अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां किशनपुरा गांव में दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर में रेफर किया गया। घटना की सूचना पाकर एएसआई कैलाश शर्मा तुरंत अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि किशनपुरा गाँव में दो समाज के लोगों में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। साढ़े 9 बजे एकदम सडनली दो ग्रुप भए, एक ग्रुप पहले है जिसमें 7-8 हेड इंजरी थी, तो किशन गांव किशन प्राग बता रहे थे। दूसरा ग्रुप आया उसमें भी 8-7 की हेड इंजरी थी। सभी का हमने प्राथमिक उपचार करते हुए हेड इंजरी मद्देनजर रखते हुए उनके सीटी स्कैन के लिए इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया।